नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार मेकर पे गाना कैसे गाए। चलो, ये खुल गया हमारा स्टार मेकर ऐप्स, अभी हम इसके अंदर जाएंगे। चालू होने दो। हाँ, ये डायरेक्ट हमारा चालू हो गया। स्टार मेकर का गाने का स्टूडियो ही चालू हुआ है, ये मेन स्टूडियो ही है। यहाँ पे हमको सभी गाने मिलेंगे, नए भी मिलेंगे, पुराने भी मिलेंगे, और यहाँ से हम नए गाने भी ढूँढ सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी गाना, ये देखो मैंने पहले सर्च किया था, तो ये सर्च करते हैं। देखो, हाँ ये देखो, मिले हो तुम हमको। ये देखो, जितने भी गाने हैं इस नाम के ना, सभी आ जाएंगे। आपको कौन सा गाना है वो आप चॉइस कर लो। चॉइस करने के बाद आप उस पर क्लिक करो। ये देखो, हमने पहला गाना क्लिक किया, अभी ये चालू हो रहा है। ये गाने में जो लोग गा रहे हैं पहले से, ये वो लोगों का है, कॉलेब है। और अब हमको आपको बता रहे हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ देखो, सबसे पहले दिया सोलो, उसके बाद दिया कॉलेब से जुड़े, उसके नीचे दिया कॉलेब शुरू करें। मतलब कॉलेब शुरू करना मतलब, जैसे कि दो लोग गाते हैं साथ में गाना, तो आप कोई भी गाना अपना जो तुम्हारा एक पार्ट रहेगा वो गा के पूरा करके आप उसको ऑनलाइन कर दोगे इसमें स्टार मेकर पे, तो बाकी लोग देख सकेंगे। और वो गाना जिसको पसंद आएगा वो जो बाकी पार्ट रहेगा वो गा सकता है, ठीक। और इसमें भी ये जो कॉलेब से जुड़े, इसमें हम कोई और अगर ऐसा कॉलेब बनाया होगा तो हम उसके कॉलेब से भी जुड़ सकते हैं। और सबसे ऊपर दिया है सोलो। सोलो मतलब हम कोई भी गाना, जो भी सिंगर कोई भी गाता है अकेला, उसको सोलो बोलते हैं। तो इसमें हमें और दूसरे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें हम अकेले ही गा सकते हैं। वो भले ही कोई भी गाना हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, उसको भी हम अकेला ही गा सकते हैं इसमें। हाँ जी, ये देखो, उस पर क्लिक किया, अभी ये चालू हो गया। अब हमें दबाना है यहाँ शुरू पे। ये गाना डाउनलोड होगा, डाउनलोड हमारे पास ये डाउनलोड हो गया है, नेट फास्ट है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम लगे तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा इंतज़ार करना। तो ये डाउनलोड होने के बाद फिर यहाँ से शुरू करें। अभी ये देखो, हमारा गाना शुरू हो गया, मिले हो तुम हमको। चलो, अभी हम दूसरा आपको बताते हैं। इसमें अगर आपको इसकी मतलब बीट हाई करना है या कम करना है, तो यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हो। ये देखो, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिया है वॉल्यूम्स। इसमें आप अपनी आवाज़ की वॉल्यूम्स कितना रखना चाहते हो उस हिसाब से रख सकते हो, और संगीत की जो रियल म्यूजिक है वो आप कितना रखना चाहते हो वो भी आप इससे अपने हिसाब से ही रख सकते हो। नहीं तो ऑटो सिस्टम भी है इसमें, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रभाव, मतलब अलग अलग इसका जो आवाज़ का ये रहता है, जैसे इसमें हॉल का है, पार्टी है, डिसेंट है, ऑटो टोन है, फैसिलेटिंग है, तो ये सब अलग अलग है। आपको आपकी आवाज़ किस में अच्छी लग रही है आपको सुनने में, कौन से मतलब इसमें किस में पार्टी, आप पार्टी म्यूजिक में अच्छी लग रही है, या हॉल म्यूजिक में अच्छी लग रही है, या कस्टम में अच्छी लग रही है, या बिना किसी के नॉन में अच्छी लग रही है, तो आप अपने हिसाब से फैसिलिटी में अच्छी लग रही है, या तो ऑटो टोन, तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। उसमें जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये हम पूरा अभी गाना चालू करेंगे, और ये गाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमारा गाना पूरा हो जाएगा तो, हम तो पूरा नहीं गाए हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर तुम्हारा गाना पूरा होगा तो यहाँ आएगा समाप्त करें, फिर आप इस पर समाप्त करें में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा गाना। अगर 60 सेकंड से छोटी रिकॉर्डिंग करते हो तो उसकी कोई मान्यता जैसे नहीं रहेगी। हाँ, तो फिर आपको उससे बड़ा ही करना है, मतलब 60 सेकंड से 2-4 सेकंड 5 सेकंड बड़ा ही करना है। तो चलो, हम हाँ कर देते हैं, कोई बात नहीं, अगर हमारा छोटा है तब भी कोई बात नहीं, हम हाँ कर देते हैं। हाँ चलो, ये हो गया, लेकिन हमको इसमें कुछ मिला नहीं, कुछ पॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं, अंक नहीं, कुछ भी नहीं मिला, ठीक। ऐसे करके गाना है। अभी आप इस गाने को यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे ड्राफ्ट भी है, अगर आप अभी नहीं कर सकते, आपको बाद में करने का है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, उसमें ड्राफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। अगर नहीं पसंद दोबारा बनाना तो यहाँ से पुनः आरंभ कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ड्राफ्ट, यहाँ पे पोस्ट, तो इसमें सब सुविधा अवेलेबल है, और जिसका भी, जिसको भी गाने का दिल रहेगा वो इसमें गा सकता है।